हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में स्टोरेज सेटिंग कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि जब भी आप लोग यहाँ पे मोबाइल के कैमरे से अगर कोई फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करें तो वो डायरेक्टली आपके फ़ोन के एचडी कार्ड में यहाँ पे चला जाए, या तो फिर आप लोग कोई भी अगर थीम वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके फ़ोन के एचडी कार्ड में चला जाए। तो आप लोग यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग करना चाहते हैं जिससे आप लोग यहाँ पे पूरा डेटा को एचडी कार्ड में यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में चलिए बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अबाउट फ़ोन का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब आपको यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो आप कहाँ सेव करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं तो इंटरनल स्टोरेज पे सेलेक्ट करिए। अगर आप लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीनों का डेटा आपको जहाँ भी आपको सेव करना है वो आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।